एक बिन माँ बाप की नाबालिग किशोरी को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने वाले एक आरोपी को पांचपावली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि किशोरी को भगाकर अपने घर ले गया था। जानकारी के मुताबिक पीड़ित 17 वर्षीय किशोरी है, जिसके माता पिता नहीं है। वह चाचा चाची के साथ रहती है। पढ़ाई के दौरान ही उसकी पहचान पेंटिंग का काम करने वाले पांचपावली निवासी नीलेश किशोर धनविजय उम्र 23 वर्ष से हुई। नीलेश ने उसे शादी का झांसा देकर किशोरी को प्रेम संबंधों में फांस लिया। वह पीड़िता को भगा कर अपने घर ले गया और 25 अगस्त 2022 से 19 जून 2023 तक उसका यौन शोषण करता रहा। पीड़िता को 7 माह का गर्भ भी ठहराया गया। पीड़िता की आयु कम होने से मामला थाने पहुंचा। प्रकरण दर्ज कर नीलेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। शनिवार को उसे अदालत में भी पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया। लश्करी बाबू चौक इस जगह पे एक वह एक्यूज रहता था। एक्यूज का नाम है नीलेश धनविजय। इसने एक नाबालिग लड़की को हिरासत में लेकर अगवा कर उसे जबरन शादी करके उसको प्रेग्नेंट किया है। तो कल हमारे ड्यूटी ऑफिसर खाड़े साहब थे, वो लेडीज जब मेडिकल चौक में मेडिकल हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल हुई, तब वहाँ से डॉक्टर ने हमें एमएलसी दी कि ऐसी ऐसी घटनाएं बोल के, तो वहाँ पर पीएसआई खाड़े साहब और हमारा लेडी स्टाफ जाके उसका बयान लिया। उसको कंप्लेंट देनी नहीं थी, फिर भी हमारी जो सरकार की तरफ से फिरियाद लेकर गुना दाखिल किया है। नाबालिग लड़की अभी 7 महीने की प्रेग्नेंट है। आरोपी को हिफाजत में लेकर आगे की जाँच चालू है। वो नाबालिग लड़की है, तो नाबालिग रहने की वजह से उसको अच्छे बुरी की जान नहीं है, तो उसको वो जबरन लेके गया था। आरोपी को पकड़ा गया है। आरोपी पेंटिंग का काम कर रहा है, अभी हमारे हिरासत में है। अभी उसको रिमांड के लिए हम पेश करेंगे। लड़की को शादी का झांसा वगैरह दिया गया था, वो लड़की नाबालिग रहने की वजह से उस झांसे में वो फंस गई और आगे की जाँच चालू है। NBC News के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।